आप लोग जानते ही हैं कि चाइल्ड एक्टर शिवलेख अब इस दुनिया में हम सब के साथ हम सब के बीच नहीं रहे हैं। वहीं शिवलेख के पिता शिवेंद्र ने अब इस पर चुप्पी तोड़ी है। शिवेंद्र ने उस हादसे के बारे में बात की। शिवेंद्र ने कहा कि हम रायपुर अक्सर जाते थे, बिलासपुर हम निजी कारण के लिए गए थे, वापस घर आ रहे थे और सब कुछ खत्म हो गया। हमारे ड्राइवर को चोट लगी, मैं और मेरी पत्नी पूरे तरीके से ब्लैंक हो गए और जब उठे तो हमें एहसास हुआ कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ, बल्कि वो तो गाड़ी की फ्रंट सीट पर भी नहीं बैठा था। हम सबको फौरन अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन मेरा बेटा। ये कहने के बाद शिवलेख के पिता कुछ मिनटों के लिए खामोश हो गए। अपनी बात पूरी करते हुए उन्होंने आगे कहा कि शिवलेख की अंतिम रस्में कर दी गई हैं। मैं और मेरी पत्नी और हमारा ड्राइवर खतरे से बाहर है। मुझे नहीं पता कि वो ट्रक ड्राइवर अरेस्ट हुआ है या नहीं, लेकिन शिवलेख मेरी इकलौती औलाद थी। ये कहने के बाद शिवलेख के पिता शिवेंद्र ने फोन कॉल कट कर दिया। बता दें कि शिवलेख के पिता की स्पॉट बॉय से बातचीत हुई थी। उसी दौरान ही शिवलेख के पिता ने ये बयान दिया था। हम पूरे तरीके से समझ सकते हैं कि इस वक्त शिवलेख के परिवार पर क्या गुजर रही होगी। इतना ही कहेंगे कि ईश्वर उन्हें इस दुख की घड़ी से उभर पाने का साहस दे। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।